हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीखांश 10 नवंबर दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वादशी रहेगी दोपहर 12:30 बजे तक, तो उसके बाद त्रयोदशी शुरू हो जाएगी और इसीलिए धनतेरस का त्योहार भी आज ही है ना। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को धनतेरस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान धनवंतरी और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहे। इस बार धनतेरस पर दोस्तों धन वृद्धि योग भी बन रहा है, ऐसे में माँ लक्ष्मी कुबेर भगवान धनवंतरी की पूजा का शुभ मुहूर्त भी क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं। और आज के जरूर कुछ न कुछ खरीदारी करनी चाहिए, तो खरीदारी के लिए भी शुभ मुहूर्त शुभ समय क्या है ना। तो इस बार धनतेरस पर खरीदारी के लिए जो अति शुभ मुहूर्त रहेगा, पंचांग के अनुसार 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू होगा, जो कि अगले दिन 11 नवंबर की सुबह तक खरीदारी करने का पूरा शुभ मुहूर्त है। कभी भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। और जहां तक बात करें पूजा की, धनतेरस पर जो लक्ष्मी पूजा की जाती है, भगवान गणेश माँ लक्ष्मी कुबेर देवता की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा आज 10 नवंबर शुक्रवार को शाम 5:47 से 7:47 तक, यानी शाम के समय 2 घंटा पूजा का अति शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दौरान आपको अपने घर में दीपक वगैरह भी चलाने चाहिए। चलिए अब देख लेते धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए आपको। सोने चांदी के अलावा बर्तन, वाहन, कुबेर यंत्र खरीदना शुभ होता है। आज के दिन झाड़ू खरीदना भी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आज आप गोमती चक्र भी खरीद सकते हैं, इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। धनतेरस पर इन चीजों को बिल्कुल नहीं खरीदें, ध्यान रहे। एक तो लोहे से बनी वस्तुएं, कांच या प्लास्टिक से बनी वस्तुएं न खरीदें, एल्यूमिनियम या स्टील की वस्तुएं भी न खरीदें। जो घर पर बर्तन लाते हो या तो पीतल के या तांबा के लेकर आए, आज के स्टील नहीं खरीदी जाती है। और जो चीनी मिट्टी के बनी चीजें जैसे कि कप प्लेट वगैरह हो गए, ये भी धनतेरस पर नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के कुछ सामान्य उपाय भी देख लीजिए। धनतेरस के दिन घर और बाहर कम से कम 13 दीपक जरूर जलाएं। आज के दिन भगवान धनवंतरी, माँ लक्ष्मी, कुबेर, यमराज और भगवान गणेश जी की पूजा करें। दान पुण्य का भी महत्व होता है, कुछ न कुछ आज आपको दान करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले अगर आप दान करते हैं तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। ये धनतेरस की छोटी सी कथा भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो धनतेरस से संबंधित ये सारी जानकारी मैंने आपको एक साथ बता दी। और इसके अलावा भी खरीदारी वगैरह के लिए कुछ अलग अलग चौघड़ियां के मुहूर्त भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और फिर कल 11/12 को वापस दीपावली भी होगी। एडवांस में आप सभी को हैप्पी दिवाली। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। पहली खबर सोने चांदी खरीदने से संबंधित ही है। इस दीपावली पर अगर आप भी गोल्ड की ज्वेलरी खरीद रहे हैं ना, तो एक सरकारी मोबाइल ऐप के जरिए आप सोने की शुद्धता चेक कर सकते हैं। अब आपको सोने की जांच करवाने के लिए ज्वेलर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने खुद इसके लिए मोबाइल ऐप जारी कर रखा BIS केयर करके। आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और BIS केयर मोबाइल ऐप से आभूषणों की प्रमाणिकता के बारे में रियल टाइम अपडेट भी ले सकते हैं। दोस्तों ये भारत सरकार का ऑफिशियल मोबाइल ऐप है, जिस पर आप सोने की शुद्धता का पैमाना हॉलमार्क चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, हाल ही में सरकार ने आपको पता होगा सोने की हॉलमार्किंग को भी अनिवार्य कर दिया है। तो आप उन नंबर के जरिए वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, तो ऐप में जाओगे आपको मिलेगा वेरीफाई HUID, उस पर क्लिक करने के बाद आपको ज्वेलरी के लास्ट में जो हॉलमार्क के साथ में एक HUID लिखी हुई होती है वो डालनी है और सर्च करनी है। फिर आपको ऑथेंटिसिटी ऑफ हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी इस तरह से। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, भारत में साल 2026 तक शुरू हो सकती है ई एयर टैक्सी सर्विस। 7 मिनट में पूरा होगा 90 मिनट का सफर। इसके लिए भी कुछ इंटरनेशनल कंपनियां प्लान बना रही है। और बड़ी खबर है, इंडिया ने कतर में जो 8 पूर्व नौसेना कर्मियों को मौत की सजा दी थी, उसके खिलाफ अब भारत सरकार ने भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपील दायर की है। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान सामने आया। और वहीं देखिए, पाकिस्तान ने भी कराची की जेल से 80 भारतीय मछुआरों को रिहा किया। चलिए बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही कि आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा खत्म होने के बाद लगभग 11.5 करोड़ पैन कार्ड निष्क्रिय हो गए। RTI में ये बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं निवेशकों से संबंधित भी एक रिपोर्ट है कि आजकल लोगों को म्यूचुअल फंड काफी पसंद आ रहा है। अक्टूबर में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 42% तक बढ़ा है। हमारे देश के भारी उद्योग मंत्री ने भी वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया और कहा कि साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य बनाना है हम सबको। और खबर है, 4 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 19 दिन में होगी 15 बैठकें। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से यह जानकारी दी गई। और इस दौरान महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता पर भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है। चलिए बड़ी खबर है, दिल्ली पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। आज भारत और US में 2+2 की वार्ता में भाग लेंगे। और वहीं देखिए, यात्रियों की बड़ी भीड़ को देखते हुए इंडियन रेलवे की तरफ से देश भर के कई मार्गों पर त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाने का भी ऐलान किया है। अलग अलग रूट पर ये ट्रेनें चलेगी देश भर के कई राज्यों में। और बड़ी खबर देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ORP की तीसरी किस्त दिवाली से पहले जारी करने के निर्देश दिए। ORP का मतलब है वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के लिए ये निर्देश जारी किए हैं। ये योजना पिछले साल सरकार ने शुरू की थी सशस्त्र बलों के कर्मियों की पेंशन में संशोधन को लेकर है ना। और वहीं पुरानी पेंशन योजना पर बड़ी खबर आ रही कि केंद्र सरकार में ये कर्मी NPS से OPS में शामिल होंगे, यानी न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में जाएंगे। 30 नवंबर तक इस पर फाइनल ऑर्डर जारी हो सकेगा। अब वो कौन कौन से कर्मचारी हैं, तो देखिए आप, केंद्र सरकार के नए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम के मुताबिक जो 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए थे, ऐसे कर्मचारियों को NPS से OPS में शामिल किया जाएगा। हालांकि इस पर जब अंतिम फैसला आएगा तो मैं आपको और अपडेट बता दूंगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, दुनिया में
बड़ी भारत की धमक। पीएम मोदी बोले कि इनोवेशन में युवाओं के बढ़ते उत्साह का संकेत दिख रहा है, क्योंकि एक तो बीते साल दुनिया भर में भारत ने सबसे ज्यादा पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया, ये आंकड़े भी बताए पीएम मोदी ने। चलिए खबर है, उत्तराखंड के देहरादून पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, आज आईटीबीपी की रेजिंग डे परेड में हिस्सा लेंगे। और वहीं देखिए कुछ चुनावी दौरों के दौरान पीएम की बातें। मोदी बोले, मेरी सरकार ने गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के घर बनाए हैं, लेकिन मैंने अपने लिए एक घर भी नहीं बनाया। मध्य प्रदेश में पीएम ने कहा कि कांग्रेस को 100 साल तक तरसाइए, इन्होंने राम को काल्पनिक बताया, भ्रष्टाचार का किला खड़ा किया। पीएम मोदी ने राजस्थान का भी दौरा किया और यहां सीधा सीधा कांग्रेस पर वार करते हुए बोले कि डूब मरो कांग्रेस वालों, मंत्री महिला अपराधों पर राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताते हैं, जनता लूटने वाले मगरमच्छों को नहीं छोड़ेंगे। तो मतलब जैसे पीएम मोदी कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, ठीक वैसे ही कांग्रेस भी प्रधानमंत्री पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। देखिए मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी बोली, रिश्ता निभाने से बनता वरना कंस तो मामा भी था। एमपी के सीएम शिवराज पर ये आरोप लगाए। देखिए एमपी इलेक्शन के दौरान नेताओं ने खूब एक दूसरे की पार्टी को भला बुरा कहा। पीएम बोले, गठबंधन के नेता कितना नीचे गिरेंगे। तो वहीं इधर प्रियंका गांधी ने आही रावण से बीजेपी की तुलना कर दी। तो ये तो कयास है, आरोप प्रत्यारोप है जो चलते रहेंगे, होते रहेंगे। राजनीति की बातें पॉलिटिक्स की, तो आप वोट जरूर डालें और सोच समझ कर सही पार्टी को चुने, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कौन सी पार्टी को वोट देना है, क्योंकि वैसे भी आप लोग मुझ पर आरोप लगाते ही आए हो। चलो आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, देश में पराली जलने के 93% मामले सिर्फ पंजाब से आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि वायु प्रदूषण के लिए पंजाब की जो भगवंत मान सरकार है वो ज्यादा जिम्मेदार है। हालांकि आपको बताऊंगा, राजधानी दिल्ली में कल एक फैसला लिया था कि दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड जो कैब टैक्सी वगैरह है उनकी दिल्ली में एंट्री नहीं होगी, जैसे ओला उबर हो गया वगैरह वगैरह। इस फैसले के बाद कैब चालक नाराज नजर आए और उसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया काफी। उबर ने भी दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि इलेक्ट्रिक और सीएनजी में चलती हैं 17,000 कारें, इस फैसले पर पुनर्विचार करें सरकार। दिल्ली में ओला उबर टैक्सियों की एंट्री पर तो रोक लगी चुकी है, कई जगहों पर एक्यूआई 450 से ऊपर चल रहा है। एक सप्ताह तक जहरीली हवा से लोगों को राहत नहीं मिलेगी, सांस लेना मतलब 10 सिगरेट रोजाना पीने के बराबर दिल्ली में अभी नुकसान हो रहा है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि लोगों की सांसें कितनी संकट में हैं। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर है, योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया और कहा कि मिठाई की दुकान वाले अगर डिब्बा समेत मिठाई तोली तो सीधा 50,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। योगी सरकार की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी कर दिया है। कई बार मिठाई वाले क्या करते हैं, जैसे 50 ग्राम 100 ग्राम का तो खाली डिब्बा ही होता है, तो उसको भी मिठाई के साथ में तोल देते हैं, ऐसा नहीं कर पाएंगे। दिवाली के मौके पर सख्त रूप से यह नया नियम जारी हो चुका है, वरना सीधा 5,000 का जुर्माना लगेगा ना। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दिवाली के मौके पर मुफ्त गैस सिलेंडर वितरण अभियान की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। लगभग प्रदेश में 2.25 करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा और दिवाली के मौके पर एक एक गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। इसके बाद वापस होली के त्योहार पर भी इसी तरह से एक एक सिलेंडर एलपीजी फ्री मिलेगा। अच्छा, झारखंड में भी पटाखों को लेकर दीपावली के लिए नया नियम लागू हो चुका, पटाखे सिर्फ 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे। छठ के लिए भी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, बढ़ते एक्यूआई को देखते हुए नियम जारी किया। छठ के दिन सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ही पटाखा फोड़ा जा सकता है, ठीक है। और इसी तरह से दीपावली के दिन भी शाम के समय सिर्फ 2 घंटा पटाखा फोड़ने की अनुमति होगी, रात 8 से 10 बजे तक। चलिए बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के इस जिले का नाम भी बदला जाएगा। स्वामी राम भद्राचार्य ने संकेत दिया और कहा कि औरंगजेब ने, बात कुछ यूं है, हाल ही में आपको बताऊंगा अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किया गया। और भी आए दिन यूपी में कई बार नाम परिवर्तन होते रहे हैं ना। और अब खबर है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुश भवनपुर किया जाएगा। स्वामी राम भद्राचार्य ने कहा कि औरंगजेब ने यहां भी मंदिर को खंडित करने का प्रयास किया था। और वहीं खबर है, अयोध्या में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक भी हुई जिसमें 14 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें से क्या क्या बड़े फैसले रहे मैं आपको आगे बताऊंगा। और फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, खेल समाचार पर अपडेट है। पाकिस्तान का सेमीफाइनल खेलना लगभग नामुमकिन हो गया। हालांकि पाकिस्तान के पास अब सिर्फ 2 ही शर्तें हैं, या तो इंग्लैंड को 287 रन से हराए या 16 गेंद में चेज करके मैच को जीतना है, वरना न्यूजीलैंड की श्रीलंका पर बड़ी जीत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की रेस से तो लगभग बाहर कर ही दिया है। इधर न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के और करीब पहुंची, श्रीलंका को आखिरी लीग मैच में 5 विकेट से हराया, बोल्ट ने 3 विकेट लिए। चलिए टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, व्हाट्सएप पर अब कॉलिंग करना और भी ज्यादा सुरक्षित होगा। मेटा की तरफ से एक नया फीचर रोल आउट कर दिया जिसका नाम है प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल। इससे व्हाट्सएप पर बात करते समय आपकी कोई भी लोकेशन एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉलिंग भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होगी, जैसे मैसेजिंग में होता ना वैसे ही। और इस फीचर को इनेबल करने के बाद आपके आईपी एड्रेस को भी कोई नहीं देख पाएगा। इसके अलावा आपकी लोकेशन में अनऑथराइज्ड एक्सेस और जासूसी जैसे थ्रेट्स भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो ये मतलब व्हाट्सएप पर कॉल करना और ज्यादा सिक्योर होगा। चलिए बड़ी खबर है, रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत ने बचाए 22,490 करोड़ रुपए, क्योंकि इसी साल ग्लोबल मार्केट से करीब 3200 रुपए प्रति टन कम रेट पर भारत ने रूस से तेल खरीदा। ऑलमोस्ट 7 करोड़ टन क्रूड ऑयल खरीदा रूस से और इससे इंडिया को यह फायदा हुआ। जबकि रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाया था, उस मौके का फायदा भारत ने भरपूर उठाया। और वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल पर अपडेट आया दोस्तों कि 1 लाख से कम कीमत वाले टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर जो फुल चार्ज करने पर आपको 80 से 120 किलोमीटर की रेंज भी देंगे। अब इनमें कौन कौन से हैं ये नाम और लिस्ट और प्राइस भी आप देख सकते हैं। ओला S1 X से लेकर प्योर EV, ओकिनावा MP
पीयर इलेक्ट्रिक्स वगैरह सबकी प्राइस भी है। और भी इनके बारे में डिटेल जानकारी आप जानना चाहते हैं तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है इन सब की रेंज कितनी है, प्राइस क्या है, फीचर क्या है, बैटरी कितनी इनमें वगैरह वगैरह है ना। चलिए खबर आ रही है कि अगले सप्ताह एलोन मस्क से मिलेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो कि हमारे देश के वाणिज्य मंत्री हैं। हो सकता है टेस्ला की भारत में एंट्री को लेकर कोई बातचीत हो, जनवरी 2024 तक मंजूरी भी दे सकती है सरकार। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सैरोगेसी से बनी माँ भी मैटरनिटी लीव की हकदार है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार भेदभाव नहीं कर सकती है और ये फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का आदेश भी रद्द कर दिया एक ऐसे ही केस के मामले की सुनवाई करते हुए। चलिए खबर है बिग बॉस विनर एल्विस यादव की तबीयत बिगड़ी, गुरुग्राम के अस्पताल में वो भर्ती, अभी पुलिस ने सांप तस्करी केस में दूसरी बार इन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया था। और वहीं खबर है दोस्तों, भारतीय सेना को अगले साल मिलेंगे 4 हरमिस 900 स्टार लाइनर ड्रोन जो कि 36 घंटे तक हवा में उड़ सकता है। पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर एक्स्ट्रा एविएशन ब्रिगेड भी तैनात किया जाएगा। और देखिए दिवाली के मौके पर परसों के दिन रिलीज होगा सिद्धू मूसेवाला का गीत, माँ चरण कौर ने जारी किया पोस्टर, बोली कि आ गया मेरा बब्बर से रास्ता साफ कर दें। और इजराइल हमास जंग पर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, अब इजराइल में माता पिता बेटे के स्पर्म भी रख सकेंगे। युद्ध के दौर में निशानी को जिंदा रखने के लिए इजराइल सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया और इस प्रक्रिया को भी सरल कर दिया है। मतलब यादों के साथ साथ इजराइल के माता पिता हमास के साथ चल रहे युद्ध में अपने बलिदानी बेटे के स्पर्म को सुरक्षित रख पाएंगे ताकि भविष्य में वो उनसे अपने लिए पोते पोते भी बना सके ऐसा। और खबर है गाजा पर रोजाना 4 घंटे के लिए युद्ध रोकेगा इजराइल, अमेरिका ने दावा किया कि इस बात पर सहमत हो गया इजराइल। वैसे इजराइल ने अब तक हमास के 60 कमांडरों को और मार गिराया, गाजा चीफ को भी बंकर में अलग थलग किया, जमीनी हमले में 130 सुरंगें तबाह हो चुकी हमास की। चलिए खबर है दोस्तों, वोडाफोन आइडिया को 1128 करोड़ लौटाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 30 दिन में पेमेंट करने को कहा, ये टैक्स का रिफंड बाकी है पिछले कई सालों का तो वो लौटाने के लिए कहा गया। और वहीं आईपीओ इन्वेस्टमेंट के लिए मॉर्गन स्टेनली से बातचीत कर रही टाटा टेक कंपनी, 20,821 करोड़ की वैल्यूएशन पर फंड उठाएगी, 2 दशक बाद टाटा ग्रुप की कंपनी का आईपीओ आ रहा है। बड़ी खबर है बिहार की विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पास हो चुका है, 75% आरक्षण का जो प्रावधान रखा था नीतीश सरकार ने वो फाइनली बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से पास हो गया बिहार के विधानसभा में, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया, भाजपा ने भी इसका सपोर्ट ही किया। बस अब तो राज्य में विधान परिषद और राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये नया कानून बन जाएगा जिसमें अभी 60% आरक्षण है उसे बढ़ाकर कुल 75% आरक्षण किया जाएगा। किस किस जाति में एससी एसटी ओबीसी ओबीसी महिलाओं वगैरह के लिए किन किन में कितना बढ़ाया जाएगा जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा ओबीसी में 30% से बढ़ाकर 13% किया जाएगा ठीक है। चलिए बड़ी खबर है बिहार में 11 से 21 नवंबर तक होगा 1,20,000 नए शिक्षकों का पद स्थापन भी, अपर सचिव की तरफ से आदेश जारी किया गया है ट्रांसफर वगैरह से संबंधित है। चलिए बड़ी खबर है हिंसा प्रभावित मणिपुर में एक बार फिर से मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध को बढ़ाया गया, कई इलाकों में मणिपुर में 13 नवंबर तक प्रतिबंध यानी कि इंटरनेट पर बैन जो है बढ़ा दिया है। हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मणिपुर में 4 जिलों में हिंसा के बाद फिर से इंटरनेट सेवाएं शुरू हुई है, मतलब यहां से इंटरनेट का प्रतिबंध हटा दिया है। सेनापति चंदेल तामेंगलोंग जिला मुख्यालयों के परीक्षण के आधार पर वो 4 जिले कौन कौन से हैं जहां से इंटरनेट प्रतिबंध हट चुका है देख सकते हैं आप। चलिए बड़ी खबर है क्या सीमा हैदर जासूस है, 6 महीने बाद भी इस बात को लेकर सस्पेंस बरकरार है क्योंकि सीमा के कुछ डॉक्यूमेंट पाकिस्तान और नेपाल भेजे हैं लेकिन उनका जवाब अभी तक नहीं आ पाया इसीलिए जांच रुकी हुई है। ये ग्राउंड रिपोर्ट आ रही सीमा हैदर के नोएडा से सचिन के घर से। वैसे देखिए दोस्तों स्पेन में भी 14 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया, इन पर आरोप है आतंक फैलाने का और एक संदिग्ध जिहादी नेटवर्क का भी भंडाफोड़ हुआ। मतलब देखिए पाकिस्तानियों का काम ही यही है, इनकी पैदाइशी जो भी यही पैसा ही यही है इनका, क्या कहें इनके बारे में। चलिए अगली खबर है आईआईटी मंडी से अच्छा अपडेट आ रहा, रक्षा से संबंधित क्षेत्रों में शोध कर पाएंगे अब भारतीय छात्र विद्यार्थी, हिमाचल प्रदेश की आईआईटी मंडी ने एक एमओयू साइन किया इसके लिए। और वैसे हिमाचल में देखभाल संस्थानों के बच्चों को 500-500 रुपए का उत्सव भत्ता भी जारी कर दिया सुक्कू सरकार ने दिवाली के मौके पर। और वहीं हिमाचल सरकार 800 करोड़ रुपए का नया कर्ज यानी कि लोन भी लेगी, इसके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। और खबर है वैसे हरियाणा में भी 9,000 विशेष पुलिस अधिकारियों को दिवाली का तोहफा दिया है मनोहर लाल खट्टर सरकार ने, उनके मानदेय में यानी कि तनख्वाह में 2,000 रुपए का इजाफा यानी बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने राज्य में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों यानी कि एसपीओ को दिवाली का तोहफा देते हुए उनके मासिक मानदेय को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने को स्वीकृति दे दी है। बता दें इस समय राज्य में लगभग 9,000 एसपीओ कार्यरत हैं। वैसे हरियाणा की भी हवा काफी खराब चल रही है इसलिए सरकार ने स्कूलों का समय भी बदला है, पराली जलने पर अब डीसी व थानेदार भी जिम्मेदार होंगे ये भी आदेश जारी हो चुका है। अच्छा इसके अलावा हरियाणा में स्कूलों का नया टाइम टेबल क्या होगा अब तो देखिए आप, सिंगल शिफ्ट वाले स्कूल 9:30 खुलेंगे और डबल शिफ्ट वाले स्कूलों की टाइमिंग 7:55 की होगी। इस संबंध में विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया ये देख सकते हैं। और वैसे हरियाणा में देखिए जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की जान चली गई, मरने वाले यमुनानगर के 2 गांव के हैं देख सकते हैं आप, 6 ही लोगों का एक साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट आ रही है, 28 साल में पहली बार दुनिया में मिले 75 लाख टीबी मरीज, ये आंकड़ा डब्ल्यूएचओ ने जारी किया, मैंने आपको कल ही बताया था ना। तो इस पर अब डब्ल्यूएचओ का कहना है कि 1995 में टीबी के खिलाफ अभियान शुरू हुआ था। चलिए खबर है सरकार ने विवाद से विश्वास योजना के तहत दावा जमा करने की समय सीमा को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है, वित्त मंत्रालय की
तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। और झारखंड में देखिए स्टूडेंट्स को पढ़ाई के दौरान पैसे भी मिलेंगे, अब यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। दरअसल दोस्तों झारखंड में सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सामान्य स्नातक कोर्स करने वाले छात्र छात्राओं को अब अप्रेंटिसशिप भी कराई जाएगी, ठीक है। इस दौरान विद्यार्थियों को स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इस योजना को हेमंत सोरेन सरकार जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी स्वीकृति मिल चुकी है। जानकारी के मुताबिक इस योजना पर हर साल 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे झारखंड सरकार द्वारा। और इस योजना में प्रशिक्षकों को 1 साल की अप्रेंटिस के दौरान हर महीने 12-12 हजार रुपए का स्टाइपेंड भत्ता मिलेगा। और भी अलग अलग कैटेगरी में ये स्टाइपेंड की राशि आप देख सकते हैं इस टेबल में। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है, दिवाली पर केनरा बैंक ने अपने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका, लोन लेना अब केनरा बैंक से महंगा पड़ेगा, MCLR में बढ़ोतरी कर दी है। बैंक का कहना है कि 12 नवंबर से ये बढ़ी हुई ब्याज दरें लागू होगी, यानी दिवाली के दिन से ही। और बैंक के इस फैसले से अब आपको केनरा बैंक से होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, किसी भी तरह का कर्ज लेना महंगा होगा, क्योंकि बैंक की तरफ से MCLR लेंडिंग रेट में 0.05% तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। और इस फैसले के बाद केनरा बैंक की 1 साल की MCLR 8.75% होगी, जो पहले 8.70% ही थी, ठीक है। इसके अलावा भी हाल ही में और कई सारे बैंकों ने MCLR बढ़ाई है, जैसे HDFC, ICICI वगैरह मैंने आपको बताया था। चलिए बड़ी खबर देखिए, अयोध्या से कोलकाता तक चलेगा क्रूज, यूपी में बनेगा एक्सपोर्ट हब। रामनगरी अयोध्या में योगी कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए। एक तो दोस्तों सीएम योगी ने अयोध्या में कैबिनेट बैठक के लिए 9 नवंबर की तारीख को ही क्यों चुना, ये बहुत ही खास तारीख है, स्पेशली राम मंदिर से जुड़ी, क्योंकि 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट में जो सालों तक राम जन्मभूमि विवाद का फैसला निकला केस चलने के बाद, तो वो भी 9 नवंबर 2019 को ही आया था। अच्छा अयोध्या में पहली बार योगी कैबिनेट की ये बैठक हुई, सीएम ने मंत्रियों के साथ में रामलला के दर्शन भी किए, 14 प्रस्ताव पास हुए हैं, ठीक है। ये स्क्रीन पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, क्योंकि अभी मैं एक एक को बताऊंगा तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा, लंबा हो जाएगा ना। कुछ नियम ये भी लागू किए हैं, जैसे अब उत्तर प्रदेश में जल परिवहन और सस्ता होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और दीपावली पर पूरा उत्तर प्रदेश जगमगाएगा, क्योंकि बिजली को लेकर भी सीएम योगी ने सभी अधिकारियों को आदेश दिए और कहा कि त्योहार के दिन और खास करके दिवाली के आसपास गांव से लेकर शहर तक हर जगह 24 घंटे बिजली चालू रहनी चाहिए ऐसा। यूपी में वाराणसी में IIT BHU की छात्रा के मामले में अभी भी विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं, देख सकते हैं आप 6000 से ज्यादा छात्रों ने जस्टिस रैली निकाली, क्योंकि अभी तक भी उस छात्रा के आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। चलिए बड़ी खबर है, दिल्ली में 20-21 नवंबर को कृत्रिम बारिश होगी, इसके लिए दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर से विस्तृत प्रस्ताव भी मांगा है, और आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को रखेगी दिल्ली सरकार। बताया जा रहा है कि 13 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे इस कृत्रिम बारिश के लिए। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए तमिलनाडु में एक तो भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया, और अभी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं अलग अलग राज्यों में, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और वहीं सराफा बाजार पर बड़ा अपडेट आ रहा है कि धनतेरस से पहले सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है, सोना 60,000 और चांदी 70,000 पर आ गई है। बताया जा रहा है कि धनतेरस से ठीक पहले सोना 400 रुपए सस्ता हुआ, अभी नया रेट क्या चल रहा है ये भी देख लीजिए जरा। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार धनतेरस पर सोना 10,000 रुपए महंगा है, लेकिन बिक्री में भी 10% ग्रोथ की उम्मीद है। अभी 24 कैरेट सोने का रेट 60,117 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, ठीक है, जबकि चांदी में भी 109 रुपए की मामूली गिरावट आई और अभी चांदी का रेट 70,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, राजस्थान में रोडवेज कर्मचारियों ने 1 घंटा कार्य बहिष्कार किया, वेतन और पेंशन की मांग, सुनवाई नहीं होने पर मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा भी की। और खबर है हरियाणा में नई दिल्ली अमृतसर सुपरफास्ट ट्रेन समेत 6 ट्रेनें कैंसिल की गई, पावर ट्रैफिक ब्लॉक के कारण ये फैसला लिया गया, इससे हरियाणा पंजाब के यात्रियों को परेशानी होगी। वैसे हरियाणा में युवाओं के लिए भी एक अच्छी खबर है, 11,990 पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है हरियाणा सरकार। HSSC द्वारा हाईकोर्ट से 9 ग्रुपों के एग्जाम की अनुमति मांगी जाएगी, इनमें 4 गुना से कम अभ्यर्थी हैं। चलिए बड़ी खबर है, बिहार की 95% आबादी के पास कोई गाड़ी नहीं है। देखिए बिहार से चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि सिर्फ 4% लोगों के पास ही बाइक है और सिर्फ 0.44% लोगों के पास कार है। और भी व्हीकल का ये डेटा आप देख सकते हैं और किस वर्ग में गरीब परिवार सबसे ज्यादा है, जाति वाइज आंकड़े भी आप देख सकते हैं। और खबर है बिहार में दिवाली छठ पर 75 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाएगा रेलवे, ये ट्रेनें 1131 फेरे लेंगी, 1,50,000 बर्थ उपलब्ध कराई जाएंगी। और बड़ी खबर है पंजाब में 16 नवंबर को छुट्टी का ऐलान, करतार सिंह सराभा के शहीदी दिवस को लेकर पंजाब सरकार ने लिया बड़ा फैसला, ऑफिस और शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। पंजाब में आज रूटीन से चलेगी रोडवेज बसें, क्योंकि इससे पहले कल कर्मचारियों ने हड़ताल रखी थी 5% वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर, ठीक है। तो एक बार फिर सरकार और इन यूनियन के बीच बातचीत हो चुकी है। और वही खबर देखिए, गुजरात में हार्ट अटैक का सिलसिला अभी भी जारी, राजकोट, वडोदरा, विसनगर, राजपीपला और वांकानेर में दिल का दौरा पड़ने से 7 लोगों की जान चली गई। युवाओं के लिए झारखंड सरकार ने बड़ा निर्णय लिया, प्रतियोगिता परीक्षाओं में आवेदन का शुल्क बिल्कुल माफ होगा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही आदेश जारी करेंगे। और देखिए अब झारखंड में किसान आंदोलन की भी आहट दिख रही है, किसानों को 1 साल से नहीं मिला उनका बकाया पैसा, धान की MSP दर बढ़ाने की भी मांग तेज हुई। और राज्य में उर्दू शिक्षकों के भी 3,212 पद रिक्त हैं, झारखंड की बात हो रही, 23 साल से यहां कोई भी पद में बदलाव या स्वीकृति नहीं हुई है। चलिए कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप, हिमाचल
हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने DLED पार्ट 1 और 2 परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। और वहीं UCET सीट 2024 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, 13 नवंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। और यूपी में देखिए डायल 112 की 205 लड़कियों पर 24 घंटे में 2 FIR दर्ज हुई, पुलिस ने कई गंभीर धाराएं भी लगाई। एक श्रद्धांजलि, योगी सरकार में मंत्री रहे आशुतोष टंडन जी का निधन हो चुका है, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली, सीएम योगी ने भी इन्हें श्रद्धांजलि दी, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और अंत में टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, दक्षिण कोरिया में एक रोबोट ने इंसान को मौत के घाट उतार दिया। आपने कई बार सुना तो होगा दोस्तों कि AI मानवता के लिए खतरा हो सकता है, ये देखिए टेक्नोलॉजी ही खतरा बन रही है। इस रोबोट का कहना है कि ये शिमला मिर्च से भरा बुक समझ बैठा था उस व्यक्ति को, और इसलिए इंसान और डिब्बे में फर्क नहीं कर पाया तो डिब्बे की तरह पिचका दिया इंसान को भी, और जान चली गई। साउथ कोरिया का ये मामला है। और आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए धनु राशि वालों के रुके काम पूरे होंगे, कन्या राशि वालों के इनकम सोर्स में भी सुधार होगा, कर्क राशि के लोग जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, कन्या राशि के लोगों को अकेलेपन से बचना होगा, है ना। और दोस्तों आज आप मुझे कमेंट करके बताइए, यूं ही सामान्य क्वेश्चन है कि धनतेरस पर घर पर और क्या क्या लाया जाता है, कोई दो चीजों के नाम आपको कमेंट में लिखना है, बिना खरीदे हुए क्या क्या चीजें लाई जाती है ऐसा। और अगेन आप सभी देशवासियों को धनतेरस और आने वाली दिवाली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी भाइयों बहनों को आपके अपने DLS भाई की तरफ से। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारियों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।